हाय टीम, आप तो आज दिखा रहे हैं आर्मी 1600 मीटर की रेस कैसे होती है। ये 400 मीटर का जो ट्रैक है इस पर हमें दौड़ना है, किस टाइप से दौड़ना है। ये आप ट्रैक देख रहे हैं, ये 400 मीटर का ट्रैक है और इंडियन आर्मी में जो भी ये बंदा जो भी तैयारी कर रहा है उसके लिए इस टाइप के ट्रैक में किस प्रकार से उसको 1600 मीटर की रनिंग करनी होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। डियर, ये जो 1600 मीटर का ट्रैक है उसमें फर्स्ट राउंड में आप अपना पूरा दम नहीं लगाएं, स्टेप लंबे रखें और एक राउंड आप मैक्सिमम 1 मिनट 10 सेकंड तक क्लियर करने की कोशिश करें। सेकंड राउंड डियर, आप सेकंड राउंड में अपने स्टेप को थोड़ा लंबा रखें और अपनी स्टेमिना को थोड़ी ग्रोथ करते हुए रखें ताकि आप अन्य लड़कों के मुकाबले आप आगे रहें, आप अंडर 20 में रहें। और दूसरा राउंड आप लगभग 2 मिनट और 30 सेकंड तक क्लियर करें। तीसरे राउंड में आप अपने कदम और ज़्यादा बढ़ाएं और कंपटीशन बढ़ जाता है इस राउंड में, क्योंकि इस टाइम लड़के पूरा दम लगाने को अपने तैयार रहते हैं, पूरा दम लगाते हैं। तो इस राउंड में आपको स्टेप बढ़ाने और अपनी पूरी एनर्जी लेवल को आप बढ़ाना था कि आप रेस कर सकें। इस तीसरे राउंड को आप फुली स्टेप के साथ लंबा खींचे और अपना 400 मीटर का राउंड क्लियर करिए। तीसरा राउंड है, अब ये फाइनली जो राउंड है चौथा राउंड, ये करो और मरो का राउंड होता है। डियर, इसमें आप जितनी जाल लगा सकते हैं लगा दीजिए, क्योंकि यही वो टाइम होता है जिससे आप रेस क्लियर करते हैं। इसलिए चौथे राउंड में अपना पूरा दम लगाइए ताकि आप अपनी 1600 मीटर की रेस एक एक्सीलेंट ग्रुप में आप अचीव कर सकें। इसलिए अपना पूरा दम लगाइए और जो लास्ट के 200 मीटर रहते हैं उसमें अपना पूरी जान झोंक दीजिए। इस टाइम आप पूरी जान झोंक दें ताकि आपकी रेस क्वालिफाई हो जाए, आपका फिजिकल क्लियर हो जाए। डियर टीम, जय हिंद। आप देख रहे हैं, बहुत बढ़िया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।